नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि मानधन योजना क्या है और इसे कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मानधन योजना के बारे में जानते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के सामने आने वाली जो चुनौतियों को समाधान करने के लिए शुरू की गई थी। इसके लिए 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए, व्यक्तियों को आवेदन करना होगा, वो आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद वो असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप इस साइड पे आ जाओगे, इस साइड पे आने के बाद में मानधन योजना में रजिस्टर फॉर मानधन योजना फॉर पेंशन ऑफ ₹3,000, जहाँ से आपने ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर किया था। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद में आप यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़ें जान सकते हो, जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके फीचर्स क्या है। फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इसमें आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसकी जो मुख्य विशेषताएँ हैं वो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के देश में सभी लघु एवं सीमांत कृषि भूजोत वाले किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है। इन किसानों के पास वृद्धावस्था के लिए बहुत अल्प बचत होती है, मतलब बहुत ही कम बचत होती है, जिससे ये कोई बचत नहीं होती है या जीवन यापन करने के लिए इन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये उनके लिए शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य जब ऐसे लोग वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें आर्थिक सहायता देना, ताकि वे स्वास्थ्य परक तथा खुशहाल जीवन जी सकें। इस स्कीम के तहत सभी पात्र लघु एवं सीमांत किसानों को 3,000 रुपये की निर्धारित पेंशन प्रदान की जाती है। ये स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन स्कीम है। यह पेंशन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रबंधित मैनेज्ड पेंशन निधि से किसानों को प्रदान की जाती है। किसानों को 55 से 200 रुपये प्रति माह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना होगा। यह अंशदान 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक सेवानिवृत्ति तक जमा करना होगा। केंद्र सरकार पेंशन निधि में अंशदान द्वारा अंशदान दी गई राशि के बराबर की राशि अपनी और जमा करती है। जो किसान 18 से 40 वर्ष की आयु के हो चुके हैं वो इस स्कीम को अपनाने के लिए पात्र हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ये बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे आप अपना सेल्फ इनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप 3 तरह से कर सकते हैं। एक CSC VLE यूजिंग CSE कनेक्ट के द्वारा, एडमिन लॉगिन के द्वारा और सेल्फ इनरोलमेंट। तो हम लोग यहाँ पे सेल्फ इनरोलमेंट के द्वारा करेंगे। यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को आप डाल सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको एंटर करना है। और OTP को एंटर करने के बाद में इसको फिर से हम प्रोसीड में कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद में आपको यहाँ पर इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जैसे ये डैशबोर्ड ओपन होगा, आप देख सकते हैं डैशबोर्ड सर्विसेज, आपको क्या सर्विसेज चाहिए, इनरोलमेंट, डोनेशन, पेंशन, रिव्यूअल मॉड्यूल। तो हमें यहाँ पर इनरोलमेंट करना है। इनरोलमेंट के लिए कहाँ पर करना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना और नेशनल स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो हमें प्रधानमंत्री श्रम धन मानधन योजना में करना है। आर यू रजिस्टर्ड इन ई श्रम, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो करिए। यहाँ पे आपको अपना UN नंबर डालना होगा, यहाँ पे आपको अपना सब्सक्राइबर आधार नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, आपका जो जेंडर है वो आप जेंडर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको सारी एड्रेस की डिटेल, जहाँ पे आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका लखनऊ, पिन कोड हो जाएगा, और आपका नॉर्थन ईस्टर्न रीजन है तो आप यस और नो जो भी है आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अदर डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। विच मेंबर ऑफ बेनिफिशरी, अगर आप ESI PFO उठा रहे हैं तो आप यस या नो, नहीं तो नहीं। वेदर इनकम टैक्स पेयर हैं, यस या नो, वो उस पर आप क्लिक करने के बाद IR5 पर आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ से आपका अप्रूवल चला जाएगा। उसका फिल इन द बैंक एंड नॉमिनी डिटेल, यहाँ पे आपको बैंक एंड नॉमिनी डिटेल भरनी होगी। फिर डाउनलोड मैंडेट फॉर्म भरना होगा, आपको डाउनलोड कर लेंगे। अपलोड मैंडेट फॉर्म अपलोड यहाँ पे आपको करना होगा, पेमेंट और डाउनलोड कार्ड, यहाँ पे आपका कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे जाके अपना मानधन योजना का इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल। ये धन्यवाद दोस्तों।